पर हमें लेस्टर ने जाने के लिए बोला है, मतलब क्या अभी तक ना लेस्टर ने हमें मतलब कि लोकेशन नहीं बताई है, बट अभी वो कह रहा है कि सारी जो बात है वो कॉल पे ही होने वाली है। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से जलकर हम लोग यहाँ पर बैठकर पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मतलब कि हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी, सारी की सारी प्लानिंग तो लेस्टर की है, बट यहाँ पर बैठ के ना फटाफट से हम लोग अपनी जो मतलब आउटफिट्स है वो पहन लेते हैं। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग अपना अंदर तो आ गए, लेकिन जो शॉपिंग बैग्स है जिसके अंदर अपने सारे कॉस्ट्यूम्स है वो तो यार बाहर गाड़ी में रह गए। तो अभी जल्दी से लेकर आता हूँ, फटाफट से कपड़े बदलकर हम लोग निकल लेते हैं, 7 बजने से पहले हमें वहां पे पहुंचना है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी से जो है सारे के सारे कॉस्ट्यूम्स निकाल लिए हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से अंदर लेकर चलते हैं, जो जो ट्रेवर फ्रैंकलिन के उनको दे देता हूँ, वो लोग अपना नीचे ही बैठकर अपने कपड़े बदल लेंगे। बाकी अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा अपने रूम में, अपने वार्डरोब में, वहां पर जाके कपड़े बदलेंगे। तो चलो भाई अभी जल्दी से तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो इनके बैग्स है वो मैंने पीछे टेबल पर रख दिया है, तो अभी फटाफट से यहाँ पर जो मेरा कॉस्ट्यूम है उसे लेकर निकल लेता हूँ सीधा अपने वार्डरोब में, और अभी फटाफट से जल्दी से हम लोग तैयार हो जाते हैं। बाकी हमें तैयार कुछ इस टाइप से होना है कि कोई भी हमें पहचान पाए, यहां तक कि हम खुद भी खुद को पहचान ना पाए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने अपना जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा स्कैरी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो एक बार ही मिरर में देखते हैं, ओ भाई साहब क्या खतरनाक लुक आ रही है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से नीचे चलते हैं और चलकर देखते हैं कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन तैयार हुए या फिर नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आधा घंटा बर्बाद कर चुके हैं, तो 7 बजने में ज्यादा देरी नहीं है। बाकी ये देखो भाई साहब, ट्रेवर को पहले जल्दी मची हुई थी, डगन बॉस को मारने जा रहा था, और अब इसको बियर दिख गई तो ये इसमें बिजी हो गया। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी फ्रैंकलिन अपना यहाँ पर तैयार हो चुका है। फ्रैंकलिन के लिए मैंने ये वाला कॉस्ट्यूम बाय करा था, जो कि इस पे बड़ा सही लग रहा है। मतलब कॉस्ट्यूम तो सिंपल ही है, लेकिन इसके ऊपर का जो पंपकिन है वो बहुत सही है। तो अभी जल्दी से ट्रेवर को भी तैयार होने के लिए बोलते हैं, और बाकी देखते हैं बैनी अभी तक मेरे हिसाब से नहीं पहुंचा। एक बार कॉल करके बोलता हूँ कि वो लॉस सैंटोस भी पहुंचा है या फिर नहीं। बाकी तो आप लोग यहाँ पर बाहर देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर जो सामने की तरफ में स्काई शॉट्स मतलब बहुत ही खतरनाक फट रहे हैं, वो देखो यार सामने की तरफ में बिल्डिंग्स के पास कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। मतलब चारों तरफ ना गाइस आज के दिन फायरवर्क्स ही होने वाले हैं, जितने भी बंदे हैं पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में, हर जगह पटाखे जलने वाले हैं। बाकी तो भी यार इन सब चीज में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, जल्दी से बैनी को फोन करके बोलता हूँ आखिरकार वो कहाँ पर है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से कॉल पे बात हो गई है, और गाइस बैनी कह रहा है कि बस वो लॉस सैंटोस पहुंच चुका है और अब बस 10-15 मिनट और लगेंगे और वो घर पर पहुंच जाएगा। अब यार देखो दिक्कत की बात यह है कि बैनी को अच्छी गाड़ी चलानी आती है, लेकिन वो गाड़ी बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए उसे कंट्रोल करना ना काफी ज्यादा मुश्किल है, वरना ठुक ठुका जाएगी। बाकी ड्राइवर को ना भी जल्दी से तैयार होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने ड्राइवर को तैयार होने के लिए बोल दिया है, तो अभी ना एक काम करता हूँ, जल्दी से ना एक बार लेस्टर को भी कॉल करके पता कर लेता हूँ कि आखिरकार हमें किस लोकेशन पर जाना है उस गाड़ी को लेकर। मतलब कि बैनी भी बस पहुंचने वाला है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे की प्लानिंग अपनी क्या है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से कॉल पे बात हो गई है, और गाइस वो कह रहा है कि जल्दी से 10 मिनट के अंदर सीधा उस जगह पर पहुंचो जहां पर हमेशा मूवी प्रीमियर होती है, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज है ना गाइस वो सारे के सारे वहीं पर से तैयार होकर निकलने वाले अपनी गाड़ी में बैठकर। तो हमें जल्दी से इस गाड़ी में बैठकर वहां पर पहुंचना है। बाकी बैनी यार एकदम सही टाइम पर आज गाड़ी लेकर पहुंच गया। तो वैसे यार दिक्कत की बात यह है कि ड्राइवर अभी तक तैयार नहीं हुआ, और ये गेट को क्या बीमारी होगी, लग रहा है इसके भी सेंसर खराब हो गए। अच्छा सेंसर नहीं खराब हुए, इस टाइम पर हमने फेस पे एकदम ऐसा मास्क लगा रहा है कि हमें पहचान नहीं पाया, मतलब ये कैमरे से पहचानता है तो ही खुलता है। बाकी तो यार यहाँ पर गाड़ी देख लो यार, बैनी ने पूरी की पूरी नहीं कर दी, साथ में नंबर प्लेट भी चेंज करने के लिए बोली थी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, गाड़ी चेंज होगी बस इतना बहुत है। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से चलते सीधा घर के अंदर और चलकर देखते हैं कि ड्राइवर तैयार हुआ या फिर नहीं, क्योंकि यार अपने पास अभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, गाड़ी वाड़ी सब आ चुकी है। और एक काम करता हूँ यार, बैनी को ना आज मैं घर पर रुकने के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि हम लोग भी जा रहे हैं और साथ ही माइकल की फैमिली भी घर पर नहीं है, तो अगर ये रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब कि सेफ्टी के लिए रह लेगा या फिर एक दिन यहीं पर रुक लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर फाइनली ट्रेवर भी तैयार हो गया है, तो चल भाई बैनी तू अपना बस घर का ख्याल रखियो, अभी हम फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं सीधा उस जगह पर जाने के लिए। वैसे भी ना फिलहाल सब कुछ हमारे पास है, मतलब कि वेपन्स हम लोग ज्यादा लेकर नहीं जाने वाले, ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं लेकर जाने वाले। तो मेरे पास जितने वेपन्स थे वो भी मैंने सारे के सारे रख दिए हैं, और फ्रैंकलिन ट्रेवर के पास जो भी वेपन्स थे वो भी उन्होंने रख दिए हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। बाकी इस टाइम पर ड्राइव मैं ही करने वाला हूँ, और अभी जल्दी से जल्दी हमें उस लोकेशन पर पहुंचना है। जल्दी आओ यार गाड़ी में बैठो, इस टाइम पर देखा जाना है सबसे बढ़िया ड्रेस तो यार ट्रेवर की है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन अपना पीछे वाली सीट पर आकर बैठ चुका है, तो गाइस अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेते हैं सीधा उस जगह पर जहाँ पर हमें लेस्टर ने जाने के लिए बोला है। वैसे यार अभी ना थोड़ी देर पहले इतने ज्यादा स्काई शॉट्स नहीं फट रहे थे, बट अभी जैसी थोड़ी बहुत रात और हुई है ना भाई, यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक चारों तरफ पड़ने लग गए हैं और पूरी खतरनाक आवाज आई जा रही है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं, हमें ना गाइस अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लिमो लेकर सीधा रेड कार्पेट पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे लेस्टर ने जाने के लिए कहा था। तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर फुल स्पीड में एकदम सीधा भगाते हैं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर आज के दिन नजारे देख पा रहे हो कितने ज्यादा तगड़े हैं, वो देखो भाई एक के बाद एक स्काई शॉट चारों तरफ, वो भी पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में फटे ही जा रहे हैं। फिलहाल के लिए अपनी लिमोजिन मैंने पहली बार रेड लाइट पर इसलिए रुकी है
क्योंकि इस टाइम पर ना गाइस हम एक बहुत महंगी गाड़ी में बैठे हैं और वो भी सेलिब्रिटी बनकर, तो किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। बाकी यार ये कितनी देर की रेड लाइट है भाई। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया नजारे देख लिए और रेड लाइट जो है खत्म होगी पता भी नहीं चला। बाकी तो यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है इन्हें देखने में। और फाइनली गाइस हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें लेस्टर ने आने के लिए कहा था। तो ये जो मतलब ये जो जगह आप देख पा रहे हो ना स्पेशली लग रहा है लिमोजिन की पार्किंग के लिए बनी है। तो भी फटाफट से ना गाइस हम लोग यहीं पर उतरते हैं अपनी गाड़ी से और फटाफट ना सामने की तरफ में चलकर देखते हैं कि आखिरकार सेलिब्रिटी अभी तक आए या फिर नहीं आए। बाकी तो अभी फिलहाल वैसे ज्यादातर किसी बंदों ने हमें देखा नहीं होगा कि हम लोग इस गाड़ी से निकल कर आ रहे हैं। तो भी जल्दी से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल सामने की तरफ में सेलिब्रिटी आकर खड़े तो हो गए हैं और साथ ही उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ में है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना गाइस थोड़ा सा साइड हो जाते हैं क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो फिर सीधी सी बात है उनके बॉडीगार्ड हमें उठा के पटक देंगे। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर खड़े खड़े इतनी देर हो गई लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज है पता नहीं कहाँ पर रह गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार ही थोड़ा सा आगे चल कर देखता हूँ। वैसे यार वैसे लाइन से आगे जाना ना मना है बट फिर भी मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि इस टाइम पर मैं भी हेलोवीन वाला बंदा बना हुआ हूँ। ये सारे के सारे इस टाइम पर हेलोवीन का कॉस्ट्यूम पहन के डांस कर रहे हैं। बट फिलहाल मैं बस ये देखने आया हूँ कि सेलिब्रिटीज कब आएंगे सामने खड़े होकर पता नहीं शायद से फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली 5 मिनट बाद इन लोगों ने आने की गुंजाइश की। चलो कोई नहीं इन लोग को पहले आने देते हैं। बाकी यार एक सेकंड अगर ये लोग आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें यहाँ से जाने का टाइम नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सीधा गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल ले। तो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और इन लोग को अपनी गाड़ी में बैठने देते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता कि वो लोग बैठ गए और अभी जो उनके बॉडी गार्ड्स हैं ना वो भी फिर बाद में बैठेंगे। जल्दी 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 करो बिल्कुल टाइम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल लें। हमें क्या करना है इनके बीच में अपनी गाड़ी लगा देनी है ताकि किसी को बिल्कुल भी पता ना चले। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल इन सेलिब्रिटीज के जो ड्राइवर है वो गाड़ियों में आकर तो बैठ चुके हैं और फाइनली इनकी गाड़ी भी चल चुकी है। तो भी ना गाइस बस हमें इनके पीछे पीछे निकलना है। तो भी फटाफट से यहाँ पर अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर इन्हीं के साथ लेकर चलता हूँ ताकि किसी को भी हमारी शक्ल वकल देखने की जरूरत पड़े ही ना। बाकी यार एक सेकंड इतना ज्यादा ट्रैफिक और कैसे ड्राइवर लेकर घूम रहे हैं यार ये सेलिब्रिटीज। बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इतनी देर से इतनी तमीज में चलाने की सोच रहा था बट आज पता चल रहा है यहाँ पर ये लोग खुद ड्राइविंग मतलब कि जो ट्रैफिक रूल्स है वही फॉलो नहीं कर रहे तो मैं किस लिए करूँ। बट अभी मेरे को इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस मुझे अपनी गाड़ी को एकदम तमीज में इनके पीछे पीछे चलाना। और ये देखो रेड लाइट, ओ भाई साहब रेड लाइट पे भी नहीं रोक रहे लोग। चलो कोई नहीं अभी फटाफट से इनके पीछे चलते हैं। वैसे डायमंड कैसीनो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। बाकी यार इधर तो कुछ ज्यादा ही फायर क्रैकर्स जल रहे हैं। तो भाई ये बीच में का गाड़ी लाया, हेलो ओ भाई कहाँ आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ फटाफट से मुझे अपनी गाड़ी आगे लेनी पड़ेगी वरना दिक्कत करवा देंगे। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा डायमंड कैसीनो जहाँ के नजारे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो भी जल्दी से आगे चलते हैं। बाकी इसने गाड़ी लेफ्ट में कहाँ मोड़ ली, डायमंड कैसीनो तो सीधा जाकर है, पता नहीं यार क्या सीन है क्योंकि यार वीआईपी एंट्री होनी है तो क्या पता हम लोग दूसरे रास्ते से जाएं। तो अभी जहां जहां ये चल रहे हैं मैं वहीं पर जाने वाला हूं। और वैसे ये डायमंड कैसीनो ही जा रहे हैं ना कहीं पता चले कि गांव की साइड पर निकल लें क्योंकि ये रास्ता हाईवे पर जाता है और ये हाईवे सीधा गांव वाली साइड पर जाता है। बट ऐसा नहीं होगा यार, यहां तक आए तो सीधी सी बात है डायमंड कैसीनो ही जाएंगे और पहली बार सेलिब्रिटी है कोई और लोग नहीं है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल अगर यहां से इसने गाड़ी अपनी लेफ्ट ली तो सीधी सी बात है ये लोग कहीं और जाने वाले हैं। वैसे यार जहां तक मुझे लगता है कहीं और नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल यार डायमंड कैसीनो के आप लोग नजारे देखो कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, चारों तरफ ऐसे रॉकेट से या फिर स्काई शॉट निकल रहे हैं ना भाई, देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो गाइस फाइनली अपना इतना तो कंफर्म हो गया कि ये लोग डायमंड कैसीनो के लिए जा रहे हैं। बाकी यार आगे वाले बॉडीगार्ड ने पता नहीं अपनी गाड़ी में कौन से गाने चला रखे हैं, पता नहीं उसको ऐसे कौन से नशे हो रखे, इतनी धीरे गाड़ी चला रहे हैं भाई मैं क्या बताऊं। वैसे यार उनको सिक्योरिटी मेन मायने रखनी होती है इसीलिए वो धीरे गाड़ी चला रहा होगा। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी एकदम आराम आराम से आगे चलते हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं सीधा डायमंड कैसीनो। बाकी यार यहां से आप लोग देखो एक और यहां से लीमो निकल कर जा रही है भाई, काफी अमीर अमीर बंदे लग रहा है यहाँ पर आए हुए हैं। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं और अपनी एंट्री यहीं से होने वाली है क्या, मुझे तो लग रहा था वीआईपी एंट्री होगी। अच्छा यहाँ से नहीं होगी शायद, से यहाँ से लोग कुछ एक्सेस वगैरह ले रहे हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर आगे वाले बॉडीगार्ड ने गाड़ी से उतर कर इस जगह का वीआईपी एक्सेस ले लिया है। बाकी जो अपना डायमंड कैसीनो वाला फ्रेंड है ना गाइस वो भी यहाँ पर आ चुका है और इसकी वजह से हम लोग भी अंदर जा सकते हैं वो भी वीआईपी गेट से। बाकी तो अंदर जाने में बहुत टाइम लग जाता और पीछे की तरफ में देखो गोल्डन रोल्स रॉयस खड़ी हुई है भाई। आज के दिन ना गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर अमीर बंदे आए हुए हैं। तो भी जल्दी से हमें वीआईपी गेट तक जाना है। बाकी इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, अच्छा हुआ कि हमने वीआईपी एंट्री कर ली। लेस्टर ने सही बोला था कि उस तरीके से एंट्री हो तो जाएगी बट बहुत कम चांसेस है, टाइम पर जाना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो भी जल्दी से अंदर चलते हैं भाई, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो गाइस यार बातों बातों के चक्कर में ना वो लोग तो अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ पर आगे चले गए लेकिन मैं इधर ही रह गया फोटो खिंचवाने में और नजारे देखने में। वैसे यार सच्ची में काफी सारे बंदे आए हुए, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, सबने एकदम फेस में मास्क लगा रखा है बहुत तगड़ा हेलोवीन का, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब कि इस टाइप का फेस्टिवल यार मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो अभी जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। बाकी अपने साथ ये जो बंदा है ना मतलब जो डायमंड कैसीनो वाला स्टाफ मेंबर है तो अपने कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि ये अपनी एंट्री करवाएगा तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हमें गाड़ी एकदम तमीज में चलानी है और चारों तरफ यहाँ पर ना फोटोग्राफर्स भरे हुए हैं हमारी फोटो खींच
बेचने के लिए। वैसे जाना कहाँ पर है? वीआईपी गेट तो यही वाला था ना। ओके, तो शायद से कोई और वीआईपी गेट है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमें लेफ्ट जाना। तो अभी जल्दी से यहाँ पर अपनी गाड़ी लेफ्ट मोड़ते हैं, हमें अपनी गाड़ी अंदर एंटर करवानी है। उन लोगों ने तो करवा ली, हम लोग बाहर ही रह गए थे। तो अभी जल्दी से लेकर चलते हैं सीधा इसे अंदर। तो चलो गाइस, सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर डायमंड कैसीनो के स्टाफ मेंबर की वजह से हमारी यहाँ पर वीआईपी एंट्री हो गई है। तो अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। बाकी अभी ना थोड़ी बहुत देर हम लोग सेलिब्रिटीज के साथ ही रहने वाले हैं, मतलब उनको नहीं दिखेंगे, उनके पीछे पीछे रहेंगे, ताकि यहाँ के जो इनके बॉडी गार्ड वगैरह है ना, उनको लगे कि हाँ भाई हम सच्ची में सेलिब्रिटी है, बस हमने फेस पर मास्क लगा रखा है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल यहाँ पर अपनी एंट्री हो गई है काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से। बाकी यार ये लोग भी अपना यहाँ पर उतर गए, और अंदर कब जाओगे भाई, यहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पर पार्क करते हैं जल्दी से, क्योंकि पार्किंग बहुत ज्यादा बढ़िया है और चारों तरफ महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है। वो देखो लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो और बहुत सही सी गाड़ियां इधर खड़ी हुई है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये लोग तो सीधा अपना अंदर के लिए निकल रहे हैं। बाकी यार अभी तक मैं गाड़ी से इसलिए नहीं उतरा हूँ, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि यार थोड़ी बहुत यहाँ पर बॉडी गार्ड होंगे, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग तो पूरी पूरी बॉडी गार्ड की बारात अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो अभी फटाफट से ना गाइस, हम लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं सीधा पेंट हाउस के लिए। एक बार हम लोग पेंट हाउस में पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग सीधा लेसर से कॉल कर आगे का प्लान पूछेंगे। बाकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी मुझे नहीं मालूम था, बाकी अपने साथ साथ ये तीन दोनों तो आ ही रहे हैं, बाकी भी वो भी आएगा अपने साथ जो कि डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर वो लोग तो अपना लिफ्ट से ऊपर जा चुके हैं, बाकी जो डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर है ये भी आ गया। इसने कहा था थोड़ी देर यहीं रुकना, पहले उन लोग को जाने दो, उसके बाद मेरे साथ तुम लोग चलना। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग इसके साथ जल्दी से लिफ्ट में बैठकर ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। बाकी तो पेंट हाउस में पहले भी एक दो बारी आ चुका हूं, बट आज वहां पर कुछ ज्यादा सिक्योरिटी होगी और कुछ ज्यादा स्पेशल होगा। जल्दी से आ जाओ अंदर। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल हम सब लोग लिफ्ट में बैठकर डायमंड कैसीनो के स्टाफ मेंबर के साथ आ गए हैं सीधा पेंट हाउस में। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि चारों जो बाउंसर है गेट पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज है ना गाइस, वो लोग अभी अंदर चले गए हैं तैयार होने के लिए। आज रात 12 बजे उनका यहां पर शो है, तो वो लोग शो के लिए तैयार हो रहे हैं। बाकी जो शो है वो पेंट हाउस में नहीं, वो नीचे डायमंड कैसीनो में होने वाला है, और जब तक वो लोग नहीं जाएंगे नीचे, तब तक हम लोग भी नहीं जाने वाले, उनके साथ ही जाएंगे, ताकि जैसे शो होगा उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे, जिसमें कि मतलब सारे बंदे और सारे बॉडीगार्ड उधर ही बिजी हो जाएंगे। बाकी अभी ना फटाफट से लेस्टर को ना कॉल करके पता कर लेता हूं कि अभी हमें यहां पर क्या करना चाहिए। वैसे जहां तक है अभी तो फिलहाल वेट ही करना चाहिए। बाकी एक काम करते हैं, फटाफट से ना यहां पर प्राइवेट रूम में जाते हैं, फिर उसे कॉल करेंगे। और एक काम मेरे को और करना है, ये जो बैग है ना मेरे हिसाब से मेरे को यहीं पर रख देना चाहिए। और इधर देखो भाई, पार्टी चल रही है हेलोवीन की, मतलब कि ज्यादा बंदे कॉस्ट्यूम पहनकर आए नहीं है, मुझे लग नहीं रहा था कि कम बंदे आएंगे, वैसे फिर भी आए हैं बहुत सारे। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से कॉल पे बात हो गई है, और गाइस लेस्टर कह रहा है कि पहली बात तो शो 12 बजे नहीं है, शो 11 बजे है, उल्टा वो 12 बजे एंड हो जाएगा, तो तब तक के लिए तुम क्या करो, वहीं पर अपना छुपकर बैठे रहो, और ये जो बैग है अपने साथ लेकर मत जाना। लेकिन इसके अंदर ना गाइस लेस्टर ने हमें एक सामान दिया है, वो हमें साथ ही रखना है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है यूटिलिटी रूम में। तो चलो यार थोड़ी देर यहीं पर वेट करते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग ने पिछले 3 घंटे पेंट हाउस में चिल मारा, और मेरे हिसाब से अब जो सेलिब्रिटीज है गाइस वो शो करने जा चुके होंगे, क्योंकि लेस्टर ने कहा था करेक्ट 11 बजे वो निकल जाएंगे। तो 8 बजे हम लोग यहां पर आए थे, और गाइस अभी 11 बज चुके हैं, और एक सेकंड गाइस यहां पर उतरी की बॉडी गार्ड खड़े, वैसे इनसे कोई डरने की बात नहीं है, इस टाइम पर डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर अपने साथ है यार। तो चलो अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने इसको बोल दिया था कि तू अपना यहीं पर बैठे रहियो, और ये जो बैग है ना इसका ध्यान रखियो, क्योंकि जो फेक स्टैचूज हैं और दोनों के दोनों वो इसी के अंदर है। और जो बाकी लेस्टर ने मेरे को एक चीज अपने साथ कैरी करने के लिए कही थी, वो मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया, वो यूटिलिटी रूम में काम आएगी। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग एक बार चलकर देखते हैं। ओके, तो चलो भाई सेलिब्रिटीज नीचे जा चुके हैं, एक बार मैं अंदर चलकर चेक कर लेता हूं। वैसे यहीं पर उन लोगों ने कपड़े वपड़े बदले थे। चलो भाई अभी फिलहाल वो जा चुके हैं, अभी जल्दी से हम लोग भी नीचे निकल लेते हैं सीधा, बाकी तुम दोनों भी आ जाओ जल्दी से। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में बैठकर आ चुके हैं सीधा कैसीनो में। तो अभी फटाफट से चलते हैं सामने और जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ में। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि कितनी ज्यादा भीड़ है। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने वीआईपी एंट्री ले ली, वरना तो यार किसी भी कीमत पर हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। बाकी यार इनका शो भी चल रहा है, और काफी सारे बंदे यहाँ पर आप लोग देखो भाई कैसे कैसे फनी फनी कॉस्ट्यूम्स पहनकर आए हुए हैं, और साथ में कैप्टन अमेरिका बनकर भी आया हुआ है एक बंदा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और भाई कैप्टन अमेरिका छोड़ो, पीछे स्पाइडरमैन और आयरन मैन भी है। वाओ भाई, इतने बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम कहाँ मिलते हैं भाई, पता नहीं, बट जिस शॉप पर हम लोग गए थे यार वहां तो ज्यादा कुछ अच्छा मिला नहीं। बाकी यार इतनी ज्यादा भीड़ होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और यार जिन सेलिब्रिटीज के साथ हम लोग आए हैं वो देखो सामने की तरफ में शो कर रहे हैं, काफी ज्यादा तगड़ा गिटार ले रखा है। बाकी शो में इतनी ज्यादा भीड़ है ना, लेकिन यार अभी हमें इस चीज में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, लेस्टर ने जो जो बोला हमें बस वो काम करना है। लेस्टर कह रहा है कि जल्दी जल्दी ना कुछ भी करके फटाफट से यूटिलिटी रूम में पहुंचो। बाकी इस बंदे को देखो भाई, कॉस्ट्यूम पहन कर आया बंदा, पूरे के पूरे मतलब भाव में चला गया यार, वैसे ही डांस भी करने लग
गया सेम जैसा कॉस्ट्यूम है। तो चलो गाइस, और अभी ना फिलहाल हमें कुछ भी करके यूटिलिटी रूम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। रास्ते से मेरा मतलब यह है कि यूटिलिटी रूम जो है ना गाइस, वो यहाँ से 8th फ्लोर पर है और जो लिफ्ट है वो 6th फ्लोर तक ही जाती है, और जो स्टेयर्स हैं उसका कुछ अथा पता नहीं है। तो अभी हमें यही नहीं मालूम कि आखिरकार यूटिलिटी रूम में हम लोग कैसे जाएंगे। वैसे लेस्टर ने बोला कि यूटिलिटी रूम में जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर जाकर ना गाइस, जो वहां का एयर वेंट है उसके अंदर हमें BZ गैस स्मोक लगाना है, जो कि लेस्टर ने मुझे दिया था। अब उससे क्या होगा, एयर वेंट से ना गाइस पूरे के पूरे कैसीनो में एयर आती है बाहर की, और साथ में जो एयर कंडीशनर की हवा होती है वो सारी आती है। तो उसके अंदर हम BZ स्मोक गैस मिला देंगे तो जितने भी बंदे यहाँ के, जितने भी बॉडी गार्ड है, सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे, तो हमें चोरी करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए यूटिलिटी रूम में जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, लेस्टर ने तो कहा था कि तुम्हें सीधा हाई लिमिट के अंदर जाना है और वहां पर जाकर तुम्हें यूटिलिटी रूम तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लेस्टर भी कभी डायमंड कैसीनो आया नहीं है। वैसे यार देखो, सामने की तरफ में ये तो मैनेजमेंट ऑफिस है जिसके अंदर टाओ चैंग और उसकी मैनेजर है, तो इसलिए हमें वहां पर जाने कोई फायदा नहीं है। ओके, तो यहां पर एक हाई लिमिट और है, तो इस वाले एक जगह के अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर यहां पर यूटिलिटी रूम है या फिर नहीं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग डायमंड कैसीनो के स्टाफ एरिया में आ चुके हैं। बाकी तो यार आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो कि पुराने कैसीनो का सामान यहां पर पड़ा हुआ है, मतलब उनकी पुरानी यादों के लिए यहां पर रखा हुआ है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं, और वैसे भी हमें यहां पर कोई रोकने नहीं वाला क्योंकि इस टाइम पर यार हम भी इधर के VIP मेंबर है। बाकी यार वो देखो, सामने की तरफ में स्टेयर्स का साइन बना हुआ है और इधर एक बाउंसर खड़ा हुआ है, बट कोई भी डरने की बात नहीं है, इनको पता है कि हां भाई ये लोग VIP है, सेलिब्रिटीज के साथ आए हैं। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, अच्छी बात यही होती है यार मास्क लगाने की। तो अभी फटाफट से हमें यहां पर ऊपर चलना है, अभी जल्दी से यही है ना सीढ़ियां, तो यही है और जहां तक मुझे लगता है यही सीढ़ियां ऊपर जाने वाली है। अभी चलकर देखते हैं कहां तक जाते हैं, कौन से फ्लोर तक जाते हैं। फिलहाल ये 1st फ्लोर है और इस तरफ में भी कुछ ऑफिसेस हैं, बट अभी हमें इन ऑफिस में नहीं जाना, अभी जल्दी से चलते हैं। ये आ गया 2nd फ्लोर, इसी तरीके से हमें जाना है सीधा 8th फ्लोर पर। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर मैं भागते भागते पहुंच चुका हूं सीधा 5th फ्लोर पर। बाकी यार इस तरफ में एक सर्विस रूम है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं और आगे जाने का रास्ता बंद है। एक सेकंड यार, आगे एक बारी मैं चलकर देखता हूं आखिरकार सीन क्या है। मुझे लग रहा है आगे की तरफ में गाइस स्टेयर्स है ही नहीं। तो गाइस यार मुझे पता था यार ऐसा ही कुछ होने वाला है, मतलब कि जो यहां की लिफ्ट है ना वो भी 6th फ्लोर तक है और जो यहां की स्टेयर्स है वो भी 6th फ्लोर तक है। बट अभी कोई नहीं, जल्दी से हम लोग यहां से उतरते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो होगा जो कि 6th फ्लोर जाएगा। बाकी यार ये तो होटल एरिया है और सामने की तरफ में कुछ बाउंसर भी यहां पर खड़े हुए हैं। तो गाइस यार मेरे को लग रहा है ना कि यहीं से कोई ना कोई रास्ता होगा जो कि हमें ऊपर ले जाएगा। बाकी ना एक बारी थोड़ा बहुत इधर घूमकर देखते हैं, हो सकता है भाई मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, इधर काफी सारे रूम तो हैं, बट अभी ना यहां पर हमें ढूंढना पड़ेगा। ये स्टाफ ओनली एरिया, इसके अंदर चलकर देखते हैं। ओके, तो यहां पर अपने मतलब का कुछ भी नहीं है यार, मुझे वो स्टेयर्स ना गाइस यार अभी ना कुछ भी करके ढूंढनी है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो यार, ये जो होटल है ना यहां पर तो काफी सारे बाउंसर इधर उधर घूमे जा रहे हैं, और अभी ना गाइस एक बंदा ना इस जगह के अंदर गया, ये देखो यहीं से बाहर निकला। मुझे पता है क्या लग रहा है कि स्टेयर्स ना गाइस यार यहीं पर है। एक सेकंड रुक जाओ, इन लोग को मेरे ऊपर शक ना होना, इसलिए मैं यहां पर ऐसे खड़े हो जाता हूं, इनको बोल दूंगा मैं होटल में घूमने आया हूं, इधर कुछ खाने पीने के लिए बाहर निकला हूं। भाई इधर तो कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी हो रखी है भाई। तो चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं पीछे की तरफ में। ओके, काफी सारे बॉडीगार्ड है और वो उधर क्या हुआ है। अभी जल्दी से हम लोग अंदर निकल लेते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से भाग कर चलते हैं सीधा 8th फ्लोर यूटिलिटी रूम के लिए। बाकी यार देखो यहां पर दोबारा से 6th फ्लोर आ गया और उस तरफ में स्टेयर्स खत्म हो गई थी, लेकिन इस तरफ में और स्टेयर्स है, तो भी जल्दी जल्दी से हमें ऊपर चलना पड़ेगा। बाकी यार उत्तरी की सामने की तरफ में गाइस यार एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर रुक गया, वरना मैं CCTV फुटेज में आ जाता। अभी जल्दी से पहले तो यार तुम लोग अंदर आ जाओ, यहां पर तो कोई CCTV नहीं है। चलो गाइस अभी फिलहाल हम लोग सेफ हैं, और इस टाइम पर मैं CCTV से दूर इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि गाइस यार देखो सीधी सी बात है, अगर हम लोग CCTV में आ गए और फिर जितने भी बॉडी गार्ड है उन सभी को पता चल जाएगा कि हम लोग यूटिलिटी रूम में गए थे, और सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। अभी ना फिलहाल यार यूटिलिटी रूम में तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, बट ये जो कैमरा है मैं डिसेबल कैसे करूंगा। वैसे यार एक सेकंड, कैमरा डिसेबल करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मान लो यार इतने सारे बंदे यहां पर आए हुए हैं, अगर इनमें से किसी एक बंदे के मैं कपड़े पहन लूं और उसके कपड़े पहनकर मैं एयर वेंट में जो अपना काम करना है वो कराऊं और उसके बाद दोबारा से कपड़े बदल लूं, तो फिर सब कुछ एकदम बढ़िया रहेगा, मतलब मैं दोबारा से अपने कपड़े पहन लूंगा। बाकी अच्छी बात तो यह कि इस बाउंसर ने हमें कुछ नहीं कहा, मतलब यार अभी तक इनको लग रहा है कि हाँ भाई ये सही बंदे हैं। अच्छा हुआ कि हम लोग वापस नीचे आ गए थे, वरना कहता कि वहां क्या करने के लिए जा रहे हो, बट कोई नहीं अभी जल्दी से हमें यहां पर वापस निकलना पड़ेगा और फटाफट से कोई दूसरे कपड़े पहनकर वापस आते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग वापस आ चुके हैं, तो जल्दी से ना एक बारी आगे चलते हैं। लेकिन यार कॉस्ट्यूम हमें मिलेगा कहां से वो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, अगर किसी भी बंदे का कॉस्ट्यूम हम लोग चुराने की सोचेंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बाकी भी चलकर देखते हैं क्या सीन है, क्या पता कोई ना कोई बंदा हमें मिल जाए जो कि हमें अपना कॉस्ट्यूम दे ही दे, बट यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिलहाल मेरे दिमाग में ना गाइस एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आइडिया आ रहा है, वो पीछे की तरफ में तो आयरन मैन स्पाइडरमैन खड़े हुए हैं ना, ये लोग थोड़ा साइड में है, इनको मार के मैं इनका कॉस्ट्यूम तो ले नहीं सकता, बट मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया ये है कि इनको ना गाइस यार अपने साथ लेकर चाहते हैं बाथरूम में। इनको बोल देता हूं कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, एक फोटो वोटो खिंचवानी है साथ में, तो इसको वहां पर लेकर चलेंगे और ले जाकर इनको
कूट के इनका सूट पहन लेंगे। तो चलो अभी फिलहाल फ्रैंकलिन तू अपना यहीं पर ध्यान रखियो, हम लोग वहां से होकर आते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर ये दोनों हमारे साथ चलने के लिए मान गए हैं। बाकी यार फ्रैंकलिन को मैंने बोल दिया कि तू अपना यहीं पर रुक, ताकि यहां पर अगर कोई माहौल खराब होता है तो तुरंत हमें बता दियो, हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ कर वहां से भाग जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भाई इन्होंने बाथरूम में भी सीसीटीवी लगा रखे, वैसा ऐसा नहीं होता। तो चलो रवि ने जल्दी से हम लोग चलते हैं डायमंड कैसीनो के बाथरूम में, जो रेस्ट रूम था ना गाइस वहीं पर हमें बस जाना है। बाकी आ रहे हो ना तुम दोनों साथ में, बेचारों को फोटो खिंचवाने के बहाने लेकर जा रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि बाथरूम में कौन फोटो खिंचवाता है। लेकिन जो भी है आज इनके ऐसे फोटो खींचेंगे भैया मजा ही आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी से अभी भाग कर चल लेते हैं, क्योंकि पहले ना हमें जाकर ये चेक करना है कि आखिरकार अगर कोई ऑलरेडी रेस्टरूम में है ना, मतलब बाथरूम में है, तो उसे वहां से बाहर निकाल लेंगे, वरना अगर वो देख लेगा तो सारा का सारा काम वहीं के वहीं खराब हो जाएगा। तो चलो यार अभी ना फिलहाल हम लोग यहां पर आ चुके हैं, पहले जो बंदे हैं ना गाइस उन्हें यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। फिलहाल दो दो बंदे हैं, इनके जाने का पहले वेट करते हैं, फिर इनकी ऐसी की तैसी करेंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर ये लोग भी अपना भाग कर आ चुके हैं। 2 मिनट रुक जाओ बस, एक बार थोड़ा बहुत तैयार वगैरह हो ले, फिर उसके बाद फोटो खिंचवाएंगे। रुक जाओ पहले यहां पर थोड़ा बहुत एक्टिंग इन्हें कर दिखा देते हैं कि हम लोग सही में फोटो खिंचवाने आए हैं, और तुम लोग कब जाओगे वरना तुम्हें पीटना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने अपना मुक्का एकदम टाइट कर लिया, और ये जो बंदा है ये भी अपना यहां से बाहर जा रहा है। हमें इनको एक ही घूंसे में मारना है, एक ही बार में मर जाने चाहिए, वरना अगर इन्होंने शोर मचा दिया तो हमें फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ जाएगी। बाकी लो भाई अभी फिलहाल दोनों के यहां पर एकदम रख रख के बचा दी, बेचारे बच्चे थे, एक एक घुसन में गिर गए। तो चलो अभी फिलहाल यहां पर ज्यादा नहीं मारना वरना खून आ जाएगा, सारे कॉस्ट्यूम गंदे हो जाएंगे। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग इनके कपड़े लेकर बदल लेते हैं। बाकी तेरी ऐसी की तैसी यहां पर पीछे छुप के वीडियो बना रही है, लेकिन यार मैंने चेक करा था अंदर कोई भी नहीं था। वो भाई साहब ये तो वापस आ गया, एक सेकंड इससे कोई आवाज आई है। तो गाइस अभी ना इसको भी हमें कोपचे में लेना पड़ेगा, इसने सब कुछ क्योंकि देख ही लिया है। तो सर एक मिनट गेट बंद करो, अंदर अंदर चलो 2 मिनट के लिए, अभी अंदर चलो तुम पहले निकलो यहां से। तो चलो भाई फिलहाल इसको भी ढेर कर दिया, इसने हमें देख लिया था अंदर आते हुए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर ट्रेवर और मैंने अपना कॉस्ट्यूम उतार कर इन लोग का जो कॉस्ट्यूम है वो पहन लिया है। बट यार अभी ना फिलहाल इन चारों की बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना अगर और कोई वॉशरूम में आ गया तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले ना इसका गेट लॉक करके इन चारों लोग की बॉडी को ना यहाँ पर ठिकाने लगा देंगे, फिर मतलब कि अपने को इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर और मैंने मिलकर इन चारों लोग की बॉडी को जो है ठिकाने लगा दिया है, बस यार कोई इन्हें देखे ना वरना बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम दोनों आयरन मैन और स्पाइडरमैन का सूट पहनकर ही जाने वाले हैं सीधा यूटिलिटी रूम में, वो भी सीसीटीवी कैमरे के सामने से, क्योंकि यार अभी ना हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मान लो अगर हमें कोई देख भी लेता है इन सूट्स में कि यहाँ पर इन्हीं सूट्स वालों ने ये जो कांड है ये करा है, तो सीधी सी बात है हम लोग वापस आकर अपने कपड़े बदल लेंगे और कोई भी हमें पहचान नहीं पाएगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा यूटिलिटी रूम के लिए। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से दोबारा हम लोग चलते हैं सीधा यूटिलिटी रूम के लिए। बाकी तो यार यहां पर ये जो सूट है ना मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और ये भी बाउंसर कह रहा होगा कि यार पता नहीं ये जो जितने भी बंदे हैं कैसीनो पार्टी करने आए हैं या फिर होटल में घूमने आए हैं, बट अभी इनको लग रहा है कि हम लोग होटल में जा रहे हैं, लेकिन इन लोग को नहीं मालूम कि हमारा होटल तो फालतू का काम है, मेन काम है अपना यूटिलिटी रूम में जाना। तो चलो यार अभी ना जल्दी से ऊपर चलते हैं और यूटिलिटी रूम के एयर वेंट में फटाफट से वो जो BZ स्मोक है उसे लगा देते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैं सीधा भागते भागते पहुंचने वाला हूं 5th फ्लोर पर, और पहुंचने वाला नहीं हूं मैं, पहुंच ही क्या हूं। तो चलो यहां पर होटल आ गया, और इसी होटल से वो जो रास्ता है जो कि जाता सीधा यूटिलिटी रूम में वो है, और इस टाइम पर ना मैं किसी को नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्टली जाऊंगा यूटिलिटी रूम में, चाहे कोई भी सीसीटीवी मेरे को देखे या फिर कोई भी बॉडीगार्ड मेरे को देखे। बाकी यार यहां पर कोई भी नहीं है, बस सीसीटीवी है, और ले भाई अच्छे से देख ले, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखा आयरन मैन आ गया, अभी फिलहाल मैं जाकर वापस से कॉस्ट्यूम बदलूंगा, इसलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यार एक सेकंड, ऊपर यहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं, मुझे ये नहीं पता था, बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर सिक्योरिटी गार्ड भाड़ में जाए, दो दो हैं तुम्हारी ऐसे की तैसे निकलो यहां से, एक को मैंने मारा और दूसरे के भी मैंने बजा दी रख के, तो निकलती रही ऐसे की तैसे। यहां पर सोच रहे होंगे यार आयरन मैन अपना घूमने फिरने आया है, बट अभी यहां पर मैंने इनका भूत बना दिया, चल तेरी भैंस की निकल यहां से। तो चलो दोनों को मैंने मार दिया, और गाइस अभी तक फिलहाल हमारे पास कोई भी गन्स नहीं थी, बट अभी फिलहाल हमारे पास गन्स भी हो चुकी है, और यार यही है यूटिलिटी रूम। तो अभी जल्दी से इसके अंदर चलते हैं, और एयर वेंट हमें ढूंढना है जिसके अंदर से यहां पर नीचे हवा जा रही है एयर कंडीशनर की। बाकी यार ये जगह भाई मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ठंडी है, क्योंकि इधर ना ओस ओस सा कुछ नजर आ रहा है, बट यार एयर वेंट जैसा तो कुछ भी इधर है नहीं। फिलहाल के लिए एक फायर एग्जिट है जो कि पूरी तरह से लॉक हो रखा है। एक सेकंड यार एयर वेंट कहां पर होता है वैसे मेरे को देखने में, तो ओके तो चलो फाइनली यहां पर एयर वेंट मिल गया, तो इसी के अंदर हमें उस चीज को लगाना है BZ गैस स्मोक को। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल एयर वेंट के अंदर ये जो BZ गैस स्मोक है इसको तो मैंने लगा दिया है, लेकिन आने वाले 20 मिनट बाद ये असर दिखाना शुरू करेगा। अब मुझे मालूम है एयर
एयर वेंट से हवा बाहर निकलती है, बट ये जो चीज है ना भाई, मतलब ये जो स्मोक है, कुछ ना कुछ करके ये अंदर पहुंच ही जाएगा। और भाई यार ये इतना ज्यादा खतरनाक है ना कि अगर किसी ने एक सेकंड के लिए भी इसे स्मेल कर लिया तो समझ लो वो 6-7 घंटे के लिए बेहोश हो जाएगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग नीचे चलते हैं, क्योंकि अगर इस ड्रेस में किसी भी बॉडी गार्ड ने हमें देख लिया ना तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी में देख लिया होगा कि हमने बाकी बॉडी गार्ड्स को मारा है। तो अभी जल्दी से आकर हमें कपड़े बदलने पड़ेंगे। बाकी एक सेकंड, एक तो मैं रास्ता थोड़ा बहुत कंफ्यूज जाता हूँ, अभी जल्दी से जल्दी में नीचे पहुंचना है कुछ भी करके। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग वापस से कैसीनो में आ चुके हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से हमें फ्रैंकलिन के पास जाकर उसे बताना पड़ेगा कि कैसीनो के मेन हॉल से बाहर आ जा, वरना बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी तो यार अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग रेस्ट रूम में चलते हैं और अभी फटाफट से अपनी आउटफिट चेंज कर लेते हैं। बाकी सामने की तरफ में एक यहाँ पर बॉडी गार्ड पहुंच गया था, जिसने यहाँ पर इन लोग को देख लिया था, सही टाइम पर हमने यहाँ पर आकर इनको मार दिया। अभी जल्दी से ना गाइस यार इसकी बॉडी भी हम अंदर कर देते हैं जल्दी से। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर और मैंने फटाफट से अपने अपने कपड़े बदल लिए हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास, उसे जाकर बोलना पड़ेगा कि फटाफट से कैसीनो के मेन हॉल से बाहर आ जा, क्योंकि अभी ना फिलहाल अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बस थोड़ी देर में यहाँ पर जो चीज है ना गाइस, वो जो मतलब गैस स्मोक वाला सीन है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जितने बंदे उसे स्मेल करेंगे ना, वो सारे के सारे बेहोश होने वाले हैं। वैसे कोई भी मरेगा नहीं, बट बेहोश हो जाएंगे बहुत देरी तक के लिए। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग फ्रैंकलिन को बुला कर आते हैं। पीछे की साइड में ही खड़ा हुआ था ना वो चाहता, हाँ तो यहीं पर उसे हम लोग रोक कर गए थे। तो फिलहाल थोड़ा सा एंजॉय कर ले, भले अभी थोड़ा बहुत टाइम है। बाकी यार यहाँ पर ये देखो कितनी ज्यादा बढ़िया शॉप बना रखे डायमंड कैसीनो के अंदर, काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया हेलोवीन के आइटम भी मिल रहे हैं और साथ में बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी भी। ओ भाई सब ये क्या, गोल्डन डायमंड कैसीनो, वाओ कितने का मैडम ये। तो चलो अभी फिलहाल इससे हमें फालतू बात नहीं करनी, जल्दी घर फ्रैंकलिन, ज्यादा टाइम नहीं, फटाफट फोन छोड़ो, सॉरी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन को अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर जितने भी एयर वेंट के आउट है या फिर वेंट्स जो है ना उसके अंदर से हवा निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर गैस मिली होगी, जिसकी वजह से जितने भी बंदे गाइस सारे के सारे यहाँ पर बेहोश होने वाले हैं। तो भी फटाफट से गाइस यार हम लोग यहाँ पर जो मेन हॉल है उससे बाहर निकल लेते हैं। बाकी एक बार ना हम लोग ढंग से खड़े होकर चेक करेंगे कि आखिरकार बंदे सही में बेहोश हो रहे हैं या फिर नहीं। वैसे यार जो लेस्टर के प्लान है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो सब लोग एक एक जगह ले लो, यहाँ पर से चुपचाप खड़े होकर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर देखते देखते बहुत ज्यादा देर हो गई है। मेरे को पता क्या लग रहा है कि बाकी बंदों को ना पता चल गया इधर कोई ना कोई गड़बड़ है, और जितने भी बाकी जो बंदे जो वहां पर खड़े होते हैं ना गाइस, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग बेहोश होना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ बंदे सही टाइम पर बचकर भाग गए, लेकिन कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। मेन है बॉडी गार्ड्स और जितनी भी भीड़ है ना उन सभी को बेहोश करना। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सामने की तरफ में जितने भी बंदे थे ना सभी ने यहाँ पर खांसना शुरू कर दिया है। ये देखो भाई सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, कुछ बंदों को ना वहां पर गड़बड़ लगी, सारे के सारे भाग कर इधर आ गए हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर बस ये सारे के सारे बेहोश होने वाले हैं। अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं, वरना फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ जाएगी। और एक बार ना गाइस बाद में आकर चेक कर लेंगे कि वो लोग बेहोश हुए या फिर नहीं। तो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए गाइस यार इधर ही कहीं पर चल के छुप जाते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग कोने में खड़े होकर वेट कर रहे थे सभी लोग के बेहोश हो जाने का। तो गाइस अभी ना जल्दी से चलकर देखते हैं क्या सीन है, सभी लोग बेहोश हुए या फिर नहीं हुए। वैसे यार देखो दिक्कत की बात यह है कि जो लोग वहां से बचकर भागे थे ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग बच गए हो। वैसे यार देखो सीधी सी बात है, लेस्टर ने बोला था कि अगर एक सेकंड के लिए भी किसी ने स्मेल कर लिया ना इसको अच्छे से, तो वो बिल्कुल भी बचने नहीं वाला। बाकी तो यहाँ पर मतलब ये लोग मरे नहीं है, ये लोग बेहोश हो गए हैं समझ लो 5-6 घंटे के लिए। तो भी जल्दी से ना एक बार कैसीनो के मेन हॉल में चलकर मैं चेक कर लेता हूँ कि आखिरकार वो लोग बेहोश हुए या फिर नहीं हुए, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं। तो भी फटाफट से सबसे पहले हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं सीधा मेन हॉल के लिए। बाकी तो यार देखो जितने भी बंदे फुल एकदम मस्ती में भाग रहे थे ना, बेचारे सारे के सारे यहाँ पर लथड़ चुके हैं। तो भी जल्दी से ना बस मेरे को मेन बंदों को चेक करना है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर जितने भी बंदे थे सारे के सारे बहुत ही बुरी तरह बिछ चुके हैं, साथ ही सेलिब्रिटीज भी बेहोश हो गए हैं। तो यार देखो क्या ही इनके साथ गलत सीन हो गया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल ये जो नजारा है कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब कि यार पहले जितने बंदे भी फुल मजे में सेलिब्रेट कर रहे थे ना वो सारे के सारे बेहोश हो चुके हैं, बट अभी सिर्फ और सिर्फ हम ही खड़े हैं। बाकी यार इस बंदे के लिए मेरे को थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, बेचारा सुपरमैन बन के आया हुआ था हेलोवीन सेलिब्रेट करने, बट यहाँ पर इसके साथ क्या ही सीन हो गया। बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो सिक्योरिटी है या फिर जो पुलिस वाले यहाँ पर आते ही होंगे, हमें जल्दी से जल्दी जो अपना काम है वो करना पड़ेगा। तो भी फटाफट से पहले चलते हैं पेंट हाउस में, वहां से अपना बैग लेकर निकल लेते हैं सीधा वॉल्ट में। बाकी यार अभी जल्दी से बैठते हैं लिफ्ट में, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर ना जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में बैठकर आ चुके हैं सीधा पेंट हाउस में। तो गाइस अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा कैसीनो के स्टाफ मेंबर के पास और उसके साथ हम लोग निकल लेते हैं सीधा कैसीनो के वॉल्ट के लिए, क्योंकि वहां पर जाने के लिए ना एक्सेस चाहिए होगा जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ यही दिला पाएगा। तो जल्दी कर यार, क्या कर रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने जो बैग है ये भी उठा लिया, जिसके अंदर अपने स्टैचूज थे, इसको भी मैंने अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है, क्योंकि यार इस टाइम पर ना हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और साथ ही लेस्टर का ना मेरे को अपने ब्लूटूथ पे एक वॉइस नोट आया था, वो कह रहा अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से वॉल्ट में पहुंच जाओ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ये जो लिफ्ट है चल पड़ी है सीधा नीचे के लिए, और इस टाइम पर हम लोग जाने वाले सीधा डायमंड कैसीनो की बेसमेंट में, जहां पर से हमें उस स्टैचू को चुरा कर यहां से निकलना है। बाकी जो डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर है ना
गाइस ये कह रहा है कि इसको भी बस यहीं तक का एक्सेस है, इसके आगे वॉल्ट में जाना इसको भी मना है, मतलब कि वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। तो ये कह रहा है कि आगे काम तुम सबको खुद करना पड़ेगा। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रेवर फ्रैंकलिन जल्दी से रेडी हो जाओ, टाइम आ चुका है यहां पर खतरनाक फाइट का। मुझे मालूम है कि अपने पास अच्छे वेपन्स नहीं है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे अपनी लिफ्ट पहुंचेगी वैसी तबाही मचाएंगे। लिफ्ट यहां पर पहुंच चुकी है, बाकी तो आगे की तरफ में काफी सारे बंदे हैं, बट कोई नहीं, अभी फिलहाल इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बाकी ये क्या ऑटोमेटिक रोबोट्स लगे हुए, बट कोई नहीं।